हेलो फ्रेंड्स, आज स्प्राउट के बारे में जानेंगे। स्प्राउट का बहुत फ़ायदा है, तो आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी दाल ले लीजिए, उसका स्प्राउट बना के खाइए। आज जानेंगे स्प्राउट कैसे घर पे आप इजीली बना सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है और इसको कैसे खाते हैं और कितना खाना चाहिए, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो आप देख लीजिए, ये मिक्स दाल का स्प्राउट है, ऐसे ही स्प्राउट होना चाहिए, इतना सा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप मिक्स दाल ले सकते हैं और चना ले सकते हैं, कोई भी आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। और ये स्प्राउट निकालना इतना मुश्किल बात है नहीं, मार्केट से लेंगे तो थोड़ा पैसा ज़्यादा जाते हैं। तो घर पे आप ये पानी डाल के 8 से 10 घंटा रख दीजिए और उसके बाद थोड़ा ऐसे भीग जाए तो ओवरनाइट रख दीजिए ढक के, जैसे नेट वाला कुछ अगर है आपके पास उसके अंदर रह सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कपड़ा, अच्छे से कपड़ा है उसके अंदर बांध के रख दीजिए ओवरनाइट, तो अच्छे से स्प्राउट निकल के आ जाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है देख लेते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर शुगर है तो उसमें कम करने में हेल्प करते हैं और कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करते हैं। इसके अंदर पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, तो विटामिन बी बहुत सारा पाया जाता है। विटामिन बी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ब्रेन बूस्ट में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम के अच्छा करते हैं। तो आप अगर इसको रेगुलर लेते हैं, एम्प्टी स्टोमक में लेते हैं तो बढ़िया है। आप कोई भी उबाल के खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, आप सलाद के साथ मिला के खा सकते हैं, जैसे कुकुम्बर, चिली, ऑनियन, कैरोट, टमाटर, थोड़ा थोड़ा करके मिला के खा सकता है, ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो अगर किसी को कच्चा खाने में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा बॉयल करके खा सकते हैं। थोड़ा बॉयल करने से किसी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक रेसिपी दिया है, चूड़मुड़ी के साथ हम मेन मील बना के भी खाते हैं। तो आप अगर खाना चाहते हैं, एक हैंडफुल आपके लिए काफ़ी है एक टाइम के लिए। थैंक यू।